Students, now we will discuss about another artificial method of vegetative propagation, layering. Layering में क्या होता है? The method of vegetative propagation in which a branch of plant is made to bend towards the ground. Okay? Plant की एक जो branch है वो किसी soil में ground हो जाएगी. For example, that ये है कोई plant है तो उसकी जो branch है soil में ground हो जाएगी. And after some time and covered with moist soil, moist जो soil है उसे covered होगी is called layering. Okay, उसी को हम layering कहते हैं. और जो branch soil में underground है after some time वो grow होके एक नए independent plant को form करेगी. Okay, it means that इसमें branch underground होगी soil में, soil moist होगी जिससे वो branch later roots को develop करेगी, roots से एक independent plant grow होगा और वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट? तो उसे हम लेयरिंग कहते हैं, राइट? लेयरिंग किस में कॉमन है? मैनी प्लांट लाइक ब्लैकबेरी, एप्पल, लेमन प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड. ये सभी इसी मेथड से प्रोपोगेट होते हैं. ओके, तो ये तो लेयरिंग थी. अब हम डिस्कस करते हैं टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या है? जिसे कॉमनली हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है? और या इन विट्रो कल्चर भी कुछ कहा जाता है इसे, इन विट्रो कल्चर. ओके, क्या है ये इन विट्रो कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन? देखते हैं, जिसे हम कॉमनली टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, राइट? सो द प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स. प्रोडक्शन या प्रोपोगेशन करना न्यू प्लांट्स का, फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट, एक छोटे से स्मॉल पीस ऑफ प्लांट से, इज इन अ सिंथेटिक कल्चर मीडियम. किसी एक कल्चर मीडियम में, सिंथेटिक कल्चर मीडियम में या लैब की कंडीशन में, कल्चरल मीडियम की कंडीशन में, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, राइट? सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं, किसी एक प्लांट को प्रोपोगेट करना उसके छोटे से एक स्मॉल पार्ट से इन विट्रो कंडीशन में या फिर कल्चरल मीडियम की कंडीशन में, उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, राइट? वेल, जनरली अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कौन सा पार्ट हम पिक करेंगे प्लांट का. वेल, प्लांट के जो रैपिड मूवमेंट वाले या रैपिड ग्रोथ वाले पार्ट होते हैं हम उन्हें पिक करेंगे. तो प्लांट में सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कहाँ होती है? वेल, उसके रूट्स के टिप में, ठीक है? रूट के टिप में हो सकती है, ब्रांचेस के टिप में हो सकती है, इंटरनोड्स होते हैं जहाँ पे दोनों ब्रांचेस स्टेम से कनेक्ट होती हैं. तो ये ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है प्लांट की, राइट? तो वहाँ से हम स्मॉल मास ऑफ टिश्यू को कलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड होगी, लेट्स सी टिश्यू कल्चर हम कैसे परफॉर्म करेंगे. तो हम जनरली प्लांट के किसी एक पार्ट से, जो मैंने बताया जहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है, एक मास ऑफ टिश्यू को हमने कलेक्ट किया. ओके, टिश्यू के एक मास को कलेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, दैट रूट से एक मास ऑफ टिश्यू कलेक्ट किया और हमने उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे पुट किया. ओके, सो बिफोर इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम अपने सभी इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन इन विट्रो कंडीशन में हो रही है, लैब कंडीशन में हो रही है. तो स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब उन्हें प्रॉपर हीट करके सभी जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, जो भी ऐसे माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट है, उन्हें डीएक्टिवेट कर देना ताकि वो कल्चरल मीडियम को हार्म ना करें, ठीक है? तो हमने इन विट्रो कल्चर में इसको परफॉर्म करेंगे. तो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने प्लांट के जो मैक्सिमम ग्रोथ वाला पार्ट था उसे पुट किया. इसको हम कहते हैं एक्सप्लांट, ठीक है? इसे कॉमनली एक्सप्लांट कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें हम जनरली कल्चरल मीडियम ऐड करेंगे, ठीक है? कल्चरल मीडियम क्या होगा? जैसे कोई शुगर हो सकता है, अमाइनो एसिड, कुछ विटामिंस हो सकते हैं जो इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. नॉरिशमेंट एसेंशियल है, फूड एसेंशियल है उसके लिए, जिससे ये ग्रो होगा. आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि इसी टेस्ट ट्यूब में अ मास ऑफ सेल जनरेट हो जाएंगे. यही जो एक एक्सप्लांट था, एक बिल्कुल मिनट स्ट्रक्चर था, ये ग्रो होके कैलस बनाएगा. इसे हम कहते हैं कैलस. ओके, डन. सो इसी कैलस, ये क्या है, इसमें टिश्यू मल्टीप्लाई हुए, ग्रोथ हुए, तो ये इसने कैलस बनाया. इसी कैलस को अब हम लेटर किसी एक मीडियम में, कोई मीडियम हो सकता है, जैसे हमने इसमें एक मीडियम क्रिएट किया जिसमें ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम है, ठीक है? जैसे साइटोकाइनिन है, कुछ
प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, उस मीडियम में हम इस कैलस को पुट करेंगे। देन आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी कि ये जो कैलस है ये ग्रो होके स्मॉल प्लेंटीलेट्स को फॉर्म करेगा। राइट, प्लेंटीलेट्स बताएं सभी को, प्लेंटीलेट्स भी मैंने बताया कि छोटे छोटे सीडलिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे इसी मास ऑफ कैलस से। ओके, तो इसमें क्या होगा, एट फर्स्ट हमने एक्सप्लांट लिया, उसमें हमने कल्चरल मीडियम ऐड किया। कल्चरल मीडियम क्या हो सकता है, जैसे कोई शुगर, अमाइनो एसिड, कुछ वाइटामिन ऐड किए। फिर आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि एक्सप्लांट ग्रो होके कैलस बनाएगा, मास ऑफ टिश्यू। इसी कैलस को हम फिर किसी ग्रोथ मीडियम में जहाँ पे प्लांट के हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट हैं उसमें ऐड करेंगे, जिससे ये प्लेंटीलेट्स को डेवलप करेगा। राइट, इसी इन्हीं प्लेंटीलेट को फिर हम सॉइल में सो कर लेंगे और लेटर एक न्यू प्लांट फॉर्म होगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये मेथड जनरली लैब की कंडीशन में होती है, मीडियम की कंडीशन में परफॉर्म होती है, तो इसलिए हमें इन विट्रो कंडीशन भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वर्ड किया माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है प्लांट का, एक स्मॉल पार्ट से ही हमने एक ट्री को या एक प्लांट को ग्रो कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, एक छोटे पार्ट से ही एक प्लांट को ग्रो करना। राइट, तो ये टिश्यू कल्चर है। अब एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि हम बहुत ही मिनट ऑफ टाइम में, कुछ ही समय में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जो डिजीज़ फ्री होंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। राइट, जो डिजीज़ फ्री होंगे, जिनके नंबर्स ज़्यादा होंगे, जो अच्छे सीड को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का। राइट, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो सारे टाइप थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। राइट, अब अगर आपसे ये पूछ ले, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव मेथड, कि एडवांटेज क्या है सर इसका, कि वेजिटेटिव मेथड से तो हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एडवांटेज क्या है इसका। वेल, इसका एडवांटेज ये है कि हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो उनमें जेनेटिक डिसिमिलरिटी बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, इट मीन्स दैट वो बिल्कुल अपने पेरेंट के लुक अलाइक होंगे। राइट, तो इसमें एक करेक्टर मैंने क्या डिस्कस किया, वेरिएशन नहीं होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सेकंड, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ वेरिएशन। राइट, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्लांट कुछ टाइम में ही एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। राइट, एंड कुछ कोई डिजीज, कोई ऐसी एनवायरमेंट कैलमिटीज उसको इजीली हार्म कर सकती हैं ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशन। ओके, सो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फिनिश होता है, इट मींस दैट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट फिनिश डन। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इट मींस दैट प्लांट कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं।